आज तक दोस्तों आप लोगों से सबने बोला होगा कि आप लोग अपना 4000 घंटे का वॉच टाइम में 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं या 5 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। पर दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों से बोल रही हूँ कि आप लोग अपना 4000 घंटे का जो वॉच टाइम वो सिर्फ 2 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग सबसे पहले लाइव प्रूफ देखिए, यहाँ पर जो चैनल आप देख रहे हैं इसमें 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो सिर्फ 2 घंटे के अंदर कंप्लीट किया गया। आखिर मैंने कैसे इस चैनल में 2 घंटे के अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करके दिखा दिया? आप लोग शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को भी लगेगा कि भाई 2 घंटे के अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कर लेना क्योंकि आज की वीडियो के अंदर जो ट्रिक बताने वाली हूँ वॉच टाइम को कंप्लीट करने की वो आप लोगों को शायद ही किसी ने बताई होगी। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बताऊंगा कि आखिर 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो सिर्फ 2 घंटे के अंदर कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। और जिसका भी चैनल छोटा है वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लेना क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, सालों से अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं पर दोस्तों आप लोग के 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो कंप्लीट होने का नाम ले ही नहीं रहा। मोनेटाइजेशन की तो आप बात ही छोड़ दो, काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके 1000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो चुके हैं पर अभी तक उनका 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो में अगर आप लोग भी एक वीडियो क्रिएटर है तो अगर आप लोग भी अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कराना चाहते हैं 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करके तो भाई टेंशन फ्री हो जाओ क्योंकि आज की वीडियो के अंदर जो ट्रिक बताऊंगी वो ट्रिक शायद ही आपको कोई बताएगा और 2 घंटे के अंदर आप लोग अपना 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भाई कल की वीडियो के बैनर है, इनके चैनल का लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दिया है। अगर आप लोग भी अपने चैनल का फ्री में प्रमोशन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को पूरा देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट कर देना। कमेंट नहीं करेंगे तो आप लोग विनर नहीं बन पाएंगे। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर आप लोग अपने चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम बिल्कुल फ्री में 2 घंटे के अंदर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, एक भी रुपए आपको खर्च नहीं करना है। अब देखो सबसे पहले आपको तरीका समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब यहाँ से क्या करना है, आपको अपना YouTube एप्लीकेशन सिंपली ओपन कर लेना। जैसे आप YouTube एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको वही चैनल को लॉग इन करके रखना है जिस पर आपको अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना है। अगर 2 घंटे के अंदर अपने चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हो तो सबसे पहला जो तरीका है, देखो सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आप लोग अपने चैनल पे कम से कम 1 या 2 घंटे की वीडियो को अपलोड करके रखिए। अगर आप लोग अपने चैनल पे 1-2 घंटे की वीडियो को अपलोड कर देते हैं तो 100% आपको जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान समझना। अब काफी सारे लोग कहेंगे कि 1 घंटे या 2 घंटे की वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो उसका भी शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताऊं कि आखिर आपको करना क्या है। देखो सबसे पहले क्या करना, आपको यहाँ पर जाना है नीचे प्रोफाइल पे, सिंपली इस प्रोफाइल के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको प्लेलिस्ट का, ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है उसके बाद यहाँ पर मिलता है व्यू ऑल का, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर मिलता है न्यू प्लेलिस्ट का, ये आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे ऊपर देखो यहाँ पर आता है नेक्स्ट का ऑप्शन, सिंपली क्या करना है आपको नेक्स्ट कर देना। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर आपको एक टाइटल मिलता है। अब देखो यहाँ पर टाइटल में आपको क्या लिखना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 4K, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 4K और यहाँ पे लिख दिया मैंने वॉच टाइम। इस तरीके से आपको लिखना है 4K वॉच टाइम। उसके बाद यहाँ पर देखो प्राइवेसी आ रही है, प्राइवेट है अभी मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना और यहाँ से आपको क्या कर देना है, इसको कर देना है पब्लिक, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हमने पब्लिक पे क्लिक कर दिया। जैसे आप पब्लिक पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखो क्रिएट का एक ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली करना क्या है क्रिएट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ से जो आपकी प्लेलिस्ट है वो बनके रेडी हो चुकी है। अब देखो यहाँ पर ये देखो प्लेलिस्ट आ रही है, इसको हम ओपन करेंगे, अभी इसके अंदर एक भी वीडियो नहीं है। अगर दोस्तों आप 1 घंटे की 2 घंटे की वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों इस प्लेलिस्ट के अंदर कम से कम दोस्तों 10 वीडियो को ऐड कर लेना। जब आप 10 वीडियो को ऐड कर लेंगे तो आपकी 1-2 घंटे की वीडियो का काम है वो खत्म हो जाएगा। कैसे करना है ध्यान समझो, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है योर वीडियो का, सिंपली इस योर वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देखो आपकी सारी वीडियो यहाँ पर आ जाएंगी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो 3 डॉट आ रहा है ऊपर की साइड में, इस 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेव टू प्लेलिस्ट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देखो यहाँ पर आ रहा है 4K वॉच टाइम, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से डन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर अब आके अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो दूसरी वीडियो आ रही है इसके 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सेव प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है, 4K वॉच टाइम पर क्लिक कर देना है। इसी तरीके से हमने 2 वीडियो को ऐड कर दिया, तीसरी वीडियो पर क्लिक करेंगे सेव प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे और 4K वॉच टाइम पर क्लिक करके डन कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे, सेव टू प्लेलिस्ट पे जाएंगे
और 4 के वॉच टाइम पे क्लिक करके डन कर देंगे। उसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट पे जाएंगे, सेव टू प्लेलिस्ट करेंगे, 4 के वॉच टाइम पे क्लिक करके डन कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को अपनी इसी तरीके से प्लेलिस्ट के अंदर कम से कम दोस्तों उतनी वीडियो आपको ऐड कर लेनी है जितनी वीडियो में आपका 1 से 2 घंटा ऐड हो जाए। अब आप लोग समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। अगर दोस्तों आपका 1 से 2 घंटे का काम हो गया तो आपका जो 2 घंटे के अंदर है वो 4000 घंटा इजिली कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होगा वो पूरा तरीका आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर कर रहा क्या है वो समझो। देखो अब आपको क्या करना है, यहां से सिंपली जाना है और यहां पर देखो ये जो प्लस का आइकन नजर आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। पर दोस्तों उसको क्लिक करने से पहले देखो ध्यान समझना है, अब आपको आना है प्ले स्टोर के अंदर। जैसे आप प्ले स्टोर के अंदर आएंगे यहाँ पर देखो ऊपर की साइड आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है आपको इंडिया, यहाँ पे आपको सर्च करना है इंडियन VPN। इस तरीके से आपको इंडियन VPN पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको इंडिया के काफी सारे VPN है वो मिल जाते हैं। अब यहाँ पे VPN का काम क्या होगा, जो आप लोग यहाँ से वॉच टाइम को इंक्रीज करोगे वो वॉच टाइम आपका ड्रॉप नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ड्रॉप नहीं होगा। अगर आप लोग VPN का यूज नहीं करते हैं तो आप लोग जो यहाँ से वॉच टाइम को इंक्रीज करेंगे वो आपका ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ से आपको कोई सा भी एक VPN यूज कर लेना, अदर कंट्री का VPN आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है क्योंकि अदर कंट्री का VPN है वो सारे के सारे बैन हो चुके हैं। अगर आप लोग उनसे अपना वॉच टाइम इंक्रीज करते हैं तो आपको वॉच टाइम इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने इंडिया का VPN ऑलरेडी यहाँ पर ये इंस्टॉल करके रखा है, इसको आपको सिंपली क्या करना है, ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग इसको ओपन कर लेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर ऐड आएगा, इसको आपको कट कर देना है। अब यहाँ पर ये जो पावर वाला ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसी ऑप्शन पर आपको सिंपली क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अब देखो ये हमारा भी कनेक्ट है, अगर हम इसके डिस्कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा, हम इसको कैंसिल कर देते हैं, हमारा VPN इजीली यहाँ पर देखो कनेक्ट हो चुका है। अब जब आपका VPN कनेक्ट हो जाएगा अब आपको तरीका लगाना है कि 2 घंटे के अंदर अपना वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करना है। अब यहाँ से चले जाना है बैक, बैक जाने के बाद आपको अपना YouTube एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे आप अपना YouTube एप्लीकेशन ओपन करेंगे अब देखो या तो आप यहाँ से काम करो, अब या तो आप डेस्कटॉप मोड से काम करो। देखो करना क्या है वो तरीका आपको ध्यान समझना पड़ेगा कि आखिर क्या करना है। अब यहाँ पर आना है, सिंपली यहाँ पर आके प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको मिलता है गो लाइव का ऑप्शन। अब काफी सारे लोग कहेंगे हम लाइव क्यों जाएं, भाई लाइव जाना नहीं पड़ेगा, आपको अपना फेस भी नहीं दिखाना पड़ेगा पर आपका जो वॉच टाइम है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली गो लाइव पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गो लाइव पर क्लिक करेंगे इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आएगा टाइटल डालने का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको क्या डालना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंपली इस तरीके से 4K और यहाँ पर लिख देते हैं वॉच टाइम, ठीक है। इस तरीके से हमने 4K वॉच टाइम लिखा, यहाँ पर आप कोई सी भी एक इमोजी बना दीजिए। इस तरीके से इमोजी बनाने के बाद यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आ रहा है अनलिस्टेड का ऑप्शन, सिंपली करना क्या है इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आपको कर देना है पब्लिक। अगर अनलिस्टेड करोगे तो आपका वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा, पब्लिक करोगे तभी आपका जो वॉच टाइम वो इंक्रीज होगा। यहाँ से आपको बैक चले जाना है। जैसे आप बैक जाएंगे तो यहाँ पर मिलता है आपको डिस्क्रिप्शन डालने का ऑप्शन। डिस्क्रिप्शन में चाहें तो आप लोग अपने चैनल की और वीडियो के जो लिंक है वो उठाकर इस डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल सकते हैं ताकि कोई आपकी इस लाइव को देख रहा है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाए तो वो आपकी वीडियो को भी देख पाए जिससे आपका वॉच टाइम है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे मिलता है स्क्रीन कास्ट का। तो सिंपली अगर आप लोगों के पास फेस दिखाने का टाइम नहीं है तो आपको ये स्क्रीन कास्ट ऑन कर देना है। जैसे आप इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पर क्या करना है, अब देखो यहाँ पे मिल रहा है एडवांस सेटिंग का ऑप्शन, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो 2 तरीके का ऑप्शन आता है, ये देखो ओरिएंटेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर मिलता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, वर्टिकल वाले में क्या होता है इस तरीके से आप लाइव जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है इस तरीके से आप लाइव जा सकते हैं। तो आपको लाइव कैसे सेक्शन में जाना है, इस सेक्शन में। अगर इस सेक्शन में जाते हैं तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर वॉच टाइम मिलेगा, यहाँ पर व्यूज ज्यादा मिलेंगे। पर अगर इस तरीके के लाइव में जाते हो तो यहाँ पर आपको वॉच टाइम ज्यादा मिलता है। अब आप सोचो कि आपको कैसा यहाँ पर लाइव करना है, तो यहाँ पर देखो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, अगर आपको व्यूज चाहिए सब्सक्राइबर चाहिए तो आप वर्टिकल वाले में जाओ, पर अगर आपको वॉच टाइम चाहिए तो आप हॉरिजॉन्टल वाले में लाइव करो। अब यहाँ पर क्या करना है, हॉरिजॉन्टल पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया अब इसके बाद हमें चले जाना है बैक, बैक जाने के बाद अब यहाँ पर देखो आ रहा है नेक्स्ट का ऑप्शन, सिंपली क्या करेंगे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस है वो आ जाता है। अब आपको क्या करना है ध्यान समझिए, अब यहाँ पर आ रहा है प्लस का आइकन, यहाँ पर पेंसिल का आइकन। अब इस पेंसिल के आइकन पर आपको क्लिक करना है, अपने यहाँ से अपलोड थंबनेल पर क्लिक करना है
और यहाँ से कोई सा भी एक थंबनेल है अपनी गैलरी से यहाँ पर लगा दे रहे हैं। अब आप चाहें तो कोई सा भी एक थंबनेल यहाँ से लगा लीजिए, अब मेरे पास अभी यहाँ पर बना हुआ है नहीं, तो यहाँ से सिंपली इस तरीके से आप चाहे तो कुछ इस तरीके से वॉच टाइम वाला ही लगा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हमने लगा दिया। अब यहाँ पर लगाने के बाद अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली हमें क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा है, यहाँ पर आ रहा है गॉट इट का ऑप्शन। सिंपली हमें करना क्या है, गॉट इट के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही गॉट इट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे स्टार्ट नाउ कर देना है, ठीक है। अब यहां से हमने स्टार्ट नाउ किया, अब देखो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। अब देखो यहां पर हमारा जो प्रोफाइल है वो यहां पर शो हो रही है, ठीक है। अब प्रोफाइल शो हो रही है, उसके बाद यहां पर क्या करना है आपको, अब ऊपर की साइड आपको देखो एक मिलता है वीडियो वाला ऑप्शन, एक ऑडियो वाला ऑप्शन। अगर आप इस गोले में अपना फेस दिखाना नहीं चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको इस वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद अगर आपको अपनी आवाज नहीं सुनानी है तो आपको इस पर भी क्लिक कर देना है, यहां से आपकी आवाज भी नहीं जाएगी। अब यहाँ पर देखो दिख रहा है गो लाइव का ऑप्शन, सिंपली क्या करना है आपको इस तरीके से गो लाइव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करेंगे आपका लाइव है वो यहाँ से ऑन हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारी जो वॉच टाइम है वो देखो यहाँ से हमारा ऑन हो गया। अब ऑन होने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपको यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर जाना है और अब यहाँ पर जाने के बाद आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ से चले जाना है अपने यहाँ पे देखो 4K वॉच टाइम वाली जो प्लेलिस्ट है इस पर। अब यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर ये बार बार भाई रिकनेक्ट होता है क्योंकि अभी यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। अब यहाँ पर इस तरीके से हमें क्लिक कर देना और इस वीडियो को इस तरीके से आपको लॉन्ग फ्रेम में कर देना है। अब यहाँ पर जो आपका लाइव है वो चलता रहेगा और आपका यहाँ पर देखो इस तरीके से आपका जो वॉच टाइम है वो इंक्रीज होता रहेगा। अब देखो यहाँ पर जो भी लोग आएंगे देखने के लिए वो आपके ये वीडियो को देखेंगे, ये लाइव चल रही है। अब एक वीडियो आपकी खत्म हो गई तो दूसरी वीडियो शुरू हो जाएगी, दूसरी वीडियो खत्म हो गई तीसरी वीडियो शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आप लोगों ने जितनी वीडियो को इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड किया था वो सारी वीडियो अपने आप वन बाय वन यहाँ पर एक्सप्लेन होती जाएंगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीके से अभी ये लाइव स्ट्रीमिंग कट इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर मैं इसको लाइव चला रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग भाई यहाँ से इसी तरीके से काम करते तो 100% जो आपका वॉच टाइम है वो कंप्लीट होता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में अगर 5 मोबाइल हैं, 4 मोबाइल हैं, 10 मोबाइल हैं तो आप सारे मोबाइल में यही काम कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि आपको अपना 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो 2 घंटे के अंदर कैसे कंप्लीट करना है। अब देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं कर देती हूँ इसको कट। कट करने के बाद ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, तो यहां से हमने लाइव को कट कर दिया। अब यहां से चलते हैं हम लोग नोट पैड के अंदर, ठीक है। अब यहां पर देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, यहां पर मान लीजिए, अब यहां पर मान लीजिए आपका 1 घंटा था, ठीक है। अब आपने मान लीजिए अब आपके पास 10 मोबाइल है, ठीक है, तो आप 10 मोबाइल की गुणा कर दो, कितने से करोगे आप, 2 से, ठीक है। तो 10 गुणा 20 घंटा आपका बढ़ गया, ठीक है। इस तरीके से आपका जितना ज्यादा मोबाइल रहेगा, जितना ज्यादा आप इसमें प्लेलिस्ट में वीडियो को ऐड करके रखेंगे उतना ज्यादा आप लोग यहाँ से अपना वॉच टाइम है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि आखिर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और 100% आप लोग इस तरीके से अपना 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो इजिली कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी तरीका कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।